डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी अंडर यूपीवी एंड पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 ऑफ इंडिया पे यूपीवी और प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत। इनसे पहले अपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? यूपीओवी का क्या पढ़ा था? ओरिजिन पढ़ा था, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी आपको बताया था। यूपीओवी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इनकी ये आप फुल फॉर्म याद कर लेना। यूपीओवी सबसे पहले एडॉप्ट कहाँ किया गया था, ग्रहण कहाँ किया गया था? ये किया गया था पेरिस में। कब किया गया था? सन 1961 में पेरिस में सबसे पहले एडॉप्ट किया गया था यूपीओवी, ठीक है। और इनके बाद इनकी बात करें भी, एडॉप्ट के बाद में रिवाइज्ड कब किया गया था? सन 1972 में किया गया था, सन 1978 में किया गया था और 1991 में किया गया था। पेरिस के बाद में इनकी अगर एस्टेब्लिश, इनका मतलब हेडक्वार्टर माने तो कौन सा मानेंगे? स्विट्जरलैंड जिनेवा, ठीक है। तो ये इनके अंदर एक यूपीओवी क्या है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर क्या इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूपीओवी क्या है, एक संगठन है। तो आज इनके अंदर अपने बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड अंडर यूपीओवी एंड पीपीवी। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट कब आया था? फार्मर राइट 2001 के अंदर ऑफ इंडिया। ये अपना क्या था, ये आज टॉपिक। तो इनके अंदर अपने को क्या करना है, जब इनके अंदर अपने प्रोटेक्शन किन आधार पे किया जाता है, तो अपने इनके अंदर एक तो क्या है, जब रिसर्चर किन को बोलते हैं, शोधकर्ता, जब रिसर्चर न्यू प्लांट वेराइटी बनाने के लिए, जब रिसर्चर न्यू प्लांट वेराइटी बनाने के लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। इन्वेस्ट को क्या बोलते हैं, निवेश, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसर्च करने के लिए। इन्वेस्टमेंट पैसा किस लिए लगाते हैं, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च शोध करने के लिए, तथा प्लांट वेराइटी को क्या करने के लिए, एक तो शोध करने के लिए और प्लांट वेराइटी को डेवलपमेंट विकास करने के लिए, न्यू प्लांट वेराइटी को विकास करने के लिए रिसर्चर क्या करता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है, एक तो शोध करने के लिए और न्यू वेराइटी को डेवलपमेंट करने के लिए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को रिटर्न मिलता है। अगर कोई भी शोध करता है, वो वेराइटी का विकास करता है या रिसर्च करता है, तो पब्लिक सेक्टर को भी पैसा मिलता है, अपने रिटर्न मिलता है, प्रतिफल, ठीक है। रिटर्न को बोलते हैं प्रतिफल, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को क्या होता है, रिटर्न मिलता है। उनमें क्या है, अगर आपने सीड खरीदे उनसे, अगर हाई यील्ड होगी, अच्छी उत्पादन होगी, तो क्या है, पब्लिक को भी उनमें क्या है, फायदा होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है जो भी, उनको भी क्या होगा, फायदा होगा। जैसे प्राइवेट कोई सीड इंडस्ट्री है, उनको भी फायदा होगा, क्यों, उनका बीज बिकेगा। और प्राइवेट सेक्टर अपने जैसे पब्लिक के अंदर जैसे अपने किसान मानते हैं, तो किसान लेगा तो उनकी क्या यील्ड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी, तो क्या होगा, किसान की आर्थिक दशा में सुधार होगा। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को क्या है, रिटर्न मिलेगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को रिटर्न मिलता है न्यू प्लांट वेराइटी को शोध करने पर, ठीक है। जो भी रिसर्चर है वो न्यू प्लांट वेराइटी की शोध करने पर, तथा उसको यूपीवी एंड पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के तहत वह न्यू प्लांट
वैरायटी को पेटेंट करवा सकता है। पेटेंट कौन करा सकता है? पेटेंट कराने का अधिकार सिर्फ ब्रीडर को है, ठीक है, जो भी शोध करता है, ठीक है। तो किन को पेटेंट कराने का अधिकार किन को है? ब्रीडर को। जिससे न्यू प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्शन मिलेगा, जो भी नई वैरायटी आएगी उनको क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा उनका। क्या है? जो भी व्यापारी लोग है उनको, व्यापारी लोग है उनका क्या है? शोषण नहीं करेंगे वैरायटी को, क्या है, कॉमर्शियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीडर बेचेगा उतना बीज, प्रोटेक्शन करेगा या प्रोटेक्शन लेगा उतने बीज क्या है वो पैक करके बेच सकता है, ठीक है, उनके अलावा नहीं बेच सकता। इनके अलावा इंडियन फार्मर देश की सीड इंडस्ट्री, इंडियन फार्मर के लिए कंट्री कहाँ की, जो भी कंट्री है सीड इंडस्ट्री क्या क्या प्रोवाइड कराती है? फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्या देती है? फैसिलिटी देती है। किन चीज की फैसिलिटी? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता करवाती है। किस क्षेत्र में करवाती है? हाई क्वालिटी। क्या है? हाई क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी का सीड क्या देती है? अवेलेबल करवाती है हाई क्वालिटी का सीड। और इनके अलावा प्लांट मटेरियल की ग्रोथ करवाने के लिए, जो भी प्लांटिंग मटेरियल की ग्रोथ करवाने, वृद्धि करवाने के लिए जिसे इंडियन फार्मर की आर्थिक दशा में सुधार होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट के अंदर क्या लिखना है? इंडियन फार्मर के लिए क्या है? जो भी सीड इंडस्ट्री है वो क्या क्या प्रोवाइड कराती है, क्या अवेलेबल करवाती है? एक तो हाई क्वालिटी का सीड प्रोवाइड कराती है, हाई क्वालिटी का सीड प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा प्लांट मटेरियल, प्लांटिंग से संबंधित मटेरियल अवेलेबल कराती है, जिससे क्या होगा, जिससे किसानों को क्या है आर्थिक दशा में सुधार होगा, ठीक है, उनकी इनकम जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी अगर वैरायटी अच्छी होगी, ठीक है, न्यू होगी, ठीक है। उनके अलावा अपने बात करें फसलों की पुरानी किस्म है जो कि हमारे देश के किसानों द्वारा उनकी खेती बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, जो भी क्रॉप की पुरानी वैरायटी है, क्या है, फसलों की पुरानी किस्म है जो कि हमारे देश के किसानों द्वारा उनकी खेती बहुत पुराने समय से, बहुत ही पुराने समय का मतलब है बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी पुराने सालों अपने काफ़ी सालों से क्या करते आ रहे हैं, उनकी खेती करते आ रहे हैं, जिससे हमारी फसलों की ट्रेडिशनल किस्मों को क्या है संरक्षित किया हुआ है, जो भी परंपरागत किस्में, जो भी पुरानी किस्में हैं उनको क्या है संरक्षित किया गया है, संरक्षण मिला है, ठीक है। जो UPOV एंड PPV, ठीक है, PPV क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत इसको क्या है इनको प्रोटेक्शन देता है, जिससे हमारी पुरानी किस्में क्या होगी एग्रो बायोडाइवर्सिटी के तहत क्या होगी संरक्षित है, ठीक है। इनमें आपको क्या क्या बताया है, एक तो शोधकर्ता जो भी रिसर्चर है वो वैरायटी को क्या करेगा डेवलपमेंट करेगा, तो किन को फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होगा और पब्लिक को भी फायदा होगा, दोनों की क्या है इनकम है, इनकम में क्या होगी ग्रोथ होगी, उनको क्या है रिटर्न ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उनके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बताया था, इंडियन फार्मर के लिए जो भी सीड इंडस्ट्री है, वो क्या अवेलेबल कराती है, हाई क्वालिटी के सीड अवेलेबल करवाती है, हाई क्वालिटी के सीड क्या है प्रदान करवाती है, हाई क्वालिटी के सीड तथा प्लांटिंग मटेरियल क्या है, प्लांट से संबंधित मटेरियल क्या है अवेलेबल कराती है, जिनसे क्या है वृद्धि होगी, किन की यील्ड के अंदर वृद्धि होगी, वृद्धि होने से क्या होगी किसानों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से क्या होगी किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी, ठीक है। तो तीसरी बताई दी आपको फसलों की पुरानी किस्में, जो भी हमारे देश में द्वारा उनकी बहुत
पुराने समय से खेती की जा रही है तो उनको क्या है, जो भी ट्रेडिशनल परंपरागत किस्म है उनको क्या है, संरक्षण मिलता है। किन के तहत मिलता है? यूपीओवी एंड प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत उनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। उन वैरायटियों का क्या है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी के तहत क्या है, संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उनके बाद में अपने हैं प्लांट ब्रीडर राइट। क्या है प्लांट ब्रीडर राइट? क्या है प्लांट ब्रीडर राइट? भाई ब्रीडर, जो भी प्लांट ब्रीडर राइट है उनके अधिकार क्या है, प्रजनन के अधिकार क्या है? तो सबसे पहले इनमें आपने बात करते हैं अभी प्लांट ब्रीडर राइट। प्लांट ब्रीडर राइट प्रोग्राम की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी? प्लांट ब्रीडर राइट की प्रथम बार या फर्स्ट बार इनकी एस्टेब्लिश कब हुई थी? सन 1987 के अंदर। ठीक है, और यह प्लांट वैरायटी राइट एक्ट के अंतर्गत हुआ था और इनकी स्थापना हुई थी 1987 में, और यह किन के अकॉर्डिंग हुआ था, और यह प्लांट वैरायटी राइट के अंतर्गत हुआ था, और यह 1994 में क्या हुआ था, जो भी प्लांट ब्रीडर राइट है उनको क्या है, इनकी स्थापना तो हुई थी 1987 में, और इनको सक्सेस कब हुआ था? सक्सेस हुआ था 1994 के अंदर। सक्सेस कब हुआ था? अपने सक्सेस की बात करें तो सन 1994 में क्या हुआ था, सक्सेस हुआ था। उनके बाद में प्लांट ब्रीडर राइट के अंदर बात करते हैं, प्लांट ब्रीडर राइट में क्या होता है, न्यू प्लांट वैरायटी को क्या करता है, गारंटेड करता है। गारंटेड मतलब है स्वीकृत करता है। प्लांट ब्रीडर राइट अधिकार में क्या है, न्यू प्लांट वैरायटी को क्या करता है, स्वीकृत करता है। क्या करता है? स्वीकृत करता है, जिससे डिस्टिंक्टनेस जिसमें क्या होनी चाहिए, जिसमें डिस्टिंक्टनेस मतलब होती है भिन्नता, उनमें क्या होनी चाहिए, और जो भी है उनके करेक्टर में क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, और वेराइटियों से अलग होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वेराइटी है वो भिन्न मानी जाएगी या न्यू वेराइटी मानी जाएगी। वेराइटी के अंदर, अगर न्यू वेराइटी के अंदर सिर्फ तीन चीज याद रखनी है, एक तो डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, और एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लांट वेराइटी के अंदर याद रखना DUS। ठीक है, DUS का मतलब होगा डिस्टिंक्टनेस। ठीक है, U का मतलब हो गया यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, और स्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्थिरता। ठीक है, प्लांट ब्रीडर राइट जो भी वैरायटी बनाते हैं उनमें तीन बातों का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तीन बातें कौन सी होनी चाहिए, एक तो डिस्टिंक्टनेस, भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी वैरायटी आज से पहले निकाली गई उनसे अलग होनी चाहिए। ठीक है, उनके अलावा यूनिफॉर्मिटी का मतलब है उनके प्लांट है वो सभी एक समान होने चाहिए। ये ना हो किन्हीं की हाइट कम है, किन्हीं की ज़्यादा है, किन की यील्ड कम है, किन के फलियाँ ज़्यादा लग रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक समान रूप में होने चाहिए। इनके अलावा स्टेबिलिटी मतलब उनमें प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रजनन प्रोसेस है वो एक समान होना चाहिए, उन भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बात इनके अंदर याद रखने वाली है, तो उनको बोलते हैं डस। डस की अगर डेफिनेशन आ जाए तो उनमें क्या आएगा, डस के अंदर क्या आएगा, डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस को बोलते हैं भिन्नता। कोई भी नई वैरायटी निकालने के लिए उनके अंदर तीन गुण विद्यमान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक तो वह तीन, इनके अलावा एक न्यू प्लांट वैरायटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। भिन्नता किन में होनी चाहिए, न्यू प्लांट वैरायटी निकाल रहे हैं उनके अंदर और वैरायटियों से क्या होनी चाहिए, वो भिन्न होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जो भी प्लांट, जो भी न्यू वैरायटी तैयार की गई है उनके प्लांट क्या होने चाहिए, सभी एक समान होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, यील्ड उनकी समान होनी चाहिए, हाइट उनकी समान होनी चाहिए, आकार उनका, पत्तियों का आकार वगैरह, और वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल, एक समान होना चाहिए।
इनके अलावा यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी का मतलब है जो भी प्रोपोगेशन मतलब है उन प्रजनन संबंधित जो भी प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल स्थिर होना चाहिए, वो क्या है अनचेंज्ड होना चाहिए, ठीक है अनचेंज्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक इनके अंदर आपको बता दिया प्लांट ब्रीडर राइट न्यू प्लांट वेराइटी को स्वीकृत करता है, न्यू प्लांट वेराइटी को क्या ग्रांटेड करता है जिसमें डिस्टिंक्टनेस यूनिफॉर्मिटी ठीक है एक रूपता और स्टेबिलिटी हो वो क्या है प्लांट ब्रीडर राइट का अधिकार कहलाता है। उनके अलावा मैं बात करूं तो प्लांट ब्रीडर राइट के तहत प्लांट वेराइटी को पीपीवी एंड एफआरएट 2001 पीपी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत या 2001 के अकॉर्डिंग ट्री एंड वेंस का मतलब है पेड़ तथा लताओं, वेंस को किन को बोलते हैं, वेंस बोलते हैं बेल को, जैसे अपने अंगूर की बेल है ठीक है, वेंस का मतलब समझो आप अंगूर की बेल, बेल को बोलते हैं ठीक है, अंगूर बेल होगी और होगी। तो पेड़ तथा लताओं के लिए 18 वर्ष का क्या है प्लांट ब्रीडर राइट के तहत प्लांट वेराइटी ओ पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग ट्री एंड वेंस पेड़ तथा लताओं के लिए 18 वर्ष का प्रोटेक्शन दिया जाता है। किनको ब्रीडर को 18 वर्ष का प्रोटेक्शन किन के तहत दिया जाता है, ट्री एंड वेंस के तहत 18 वर्ष का प्रोटेक्शन उनको संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण का मतलब है उनको अधिकार दिया जाता है उन वेराइटी को बेचने के लिए ठीक है, सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, कॉमर्शियलाइज करने के लिए या प्रोडक्शन लेने के लिए ठीक है। तथा नोटिफाइड वेराइटियां, जो नोटिफाइड वेराइटियां हैं अधिसूचित किस्में है यूपीवी या पीपीवी एंड एफआर एक्ट के तहत सबसे पहले 12 प्रजातियों की क्या है किस्में निकाली गई थी, जैसे वीट हो गया, सोरगम हो गया, इस तरह से क्या है 12 प्रजाति क्या है निकाली गई, उनको क्या है नोटिफाइड किस्में निकाली गई थी स्टार्टिंग में। अगर अधिसूचित किस्मों के लिए 15 वर्ष का क्या है प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो भी क्रॉप से संबंधित जो भी वेराइटी है उनको क्या है 15 वर्ष का प्रोटेक्शन दिया जाता है। भी आप वेराइटी नई आपने नई वेराइटी तैयार की है ब्रीडर ने तो उनको बेचने का अधिकार, मार्केटिंग करने का अधिकार, डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार, कॉमर्शियलाइज करने का अधिकार उनको क्या है 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर ट्री एंड विंस है तो उनके लिए क्या है 18 वर्ष का क्या है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है उन वेराइटी को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कॉमर्शियलाइज करने के लिए ठीक है। उनके अलावा अपने बात करें तो डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट, तो प्लांट ब्रीडर राइट आपको अभी वो भी बातें बताई थी, ब्रीडर होता है प्रजनक के पास ठीक है, प्रजनक के पास क्या होता है प्रोटेक्टेड वेराइटी के प्रोटेक्टेड जो भी संरक्षित वेराइटी है या संरक्षण है वेराइटी है तो उनका क्या कर सकता है प्रोटेक्टेड वेराइटी का क्या कर सकता है उत्पादन प्रोडक्शन कर सकता है। उनके अलावा उनको क्या है जो भी वेराइटी तैयार की है उनको क्या कर सकता है सेल कर सकता है, उनके अलावा मार्केट में दे सकता है, उनके अलावा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट को बोलते हैं वितरण ठीक है, उनके अलावा इंपोर्ट कर सकता है ठीक है, उनके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, आयात भी कर सकता है और निर्यात भी कर सकता है। किन के आधार विशेष अधिकार होंगे, किन किन के विशेष अधिकार होंगे उत्पादन करने का ठीक है, सेल करने का, मार्केट में भेजने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का उन और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का विशेष अधिकार किन के पास है ब्रीडर के पास है ठीक है, जो वेराइटी पैदा करता है उनके पास क्या क्या अधिकार है
वो वैरायटी को सेल कर सकता है, वैरायटी का प्रोडक्शन ले सकता है, वैरायटी को मार्केट में बेच सकता है, मार्केट में दे सकता है, वैरायटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, वैरायटी को इंपोर्ट कर सकता है, वैरायटी को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, विशेष अधिकार है। ब्रीडर एजेंट या लाइसेंसधारी को नियुक्त कर सकता है, उनको क्या है, ब्रीडर क्या करता है, एजेंट या लाइसेंसधारी को क्या है, उनको क्या है, नियुक्ति भी दे सकता है, ठीक है, नियुक्त कर सकता है। और अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में, क्या हो सकता है, वह कोर्ट जा सकता है, ठीक है, वह कोर्ट जा सकता है और दावा कर सकता है। किन के लिए दावा करेगा, क्लेम लेने के लिए, अगर उनकी वैरायटी का किसी प्रकार से किन्होंने उल्लंघन किया है, ठीक है, गलत तरीके से उनको सेल किया गया या किसी ने नकली बीज बना के बेच दिया गया, तो उनका क्या है, वो कोर्ट में दावा कर सकता है। दावा करने पे उनको क्या है, जिन्होंने भी नकली बीज बेचा है तो उन पे क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगी, उन पे फाइन लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, जुर्माना लगाएगी, ठीक है। तो आप ब्रीडर राइट के अंदर आपको बता दिया है भाई, ब्रीडर के पास प्रोटेक्टेड वैरायटी जो भी संरक्षित किस्में हैं उनको वो अपने प्रोडक्शन ले सकता है, सेल कर सकता है, मार्केट में दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकता है, इनको क्या है, इतने प्रकार के ये क्या है, विशेष अधिकार है। अगर ब्रीडर क्या कर सकता है, एजेंट या लाइसेंसधारी को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगर ब्रीडर किसी ने उनके वैरायटी का उल्लंघन किया है तो इन मामलों को क्या है, वह कोर्ट में ले जा सकता है और दावा कर सकता है, उनको क्या है, कोर्ट के द्वारा उनको क्या है, क्लेम दिलाया जाएगा, या जिन भी कंपनी या फर्म ने उनका नकली बीज मनाया है तो उनको क्या है, उन पे पलेंटी जुर्माना लगाएगी और उनको क्या है, ब्रीडर को क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब अपने बात करते हैं क्या क्या अपने, एक तो ब्रीडर राइट्स पढ़ लिए, उनके अलावा यूपीपीओ एंड पीपीओ के अंदर प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी का अधिकार क्या है, उनको प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, तो वो बता दिया। रिसर्च क्या, रिसर्चर, ठीक है, किसानों की जो भी है परंपरागत किस्में उनको क्या है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी के तहत क्या है, संरक्षित किया गया है। इनके अलावा एक पॉइंट और बताया था, किसानों का जो भी इंडियन फार्मर है उनको क्या है, न्यू से अपने जो भी अपने सीड इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो क्या करके अवेलेबल क्या करवाती है, हाई क्वालिटी सीड अवेलेबल करवाती है, प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराती है। हाई क्वालिटी सीड अपने ये अवेलेबल कराने से क्या होगी, ग्रोथ, किन की ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी अपने जैसे न्यू प्लांट वेराइटी है उनके यील्ड में ग्रोथ होगी। उनके अलावा जो भी फार्मर है उनके इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार होगा, ठीक है, ये चीज़ें बताई थी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया का हम बोलते हैं अपने मापदंड, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वैरायटी फॉर प्रोटेक्शन अंडर पीपीवी एंड अफारेट 2001, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से संबंधित क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपके टॉपिक में दिया हुआ है क्राइटेरिया फॉर, उसमें दे रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वैरायटी फॉर प्रोटेक्शन अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। पीपीवी एंड एफआर का मैं आपको कई बार बता दिया है, इनका क्या है, प्रोटेक्शन प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो नोवेल्टी मतलब क्या है, वैरायटी न्यू होनी चाहिए, और इनके अलावा वैरायटी क्या होनी चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्टनेस मतलब होता है भिन्नता, ठीक है, वैरायटी क्या होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इनके अलावा वैरायटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब है एक रूपता होनी चाहिए। इनके अलावा चौथा कौन सा बताया था, वैरायटी के लिए स्टेबिलिटी स्थिरता भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोपोगेशन से संबंधित, ठीक है, प्रजनन से संबंधित प्रोसेस जो भी होती है वो क्या है,
स्टेबल होनी चाहिए, अनचेंज्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये इनके अंदर बातें हैं। तो मैं बता देता हूँ, पौधों की किसी प्रजाति को इस एक्ट के अधिकरण, इस एक्ट के अधीन पंजीकरण को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? पंजीकरण। पंजीकरण कराने के लिए उस प्रजाति में भिन्न निम्न गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? निम्न गुण कौन कौन से होने चाहिए? एक तो क्या है, नोवेल्टी, नवीनता होनी चाहिए। वेराइटी के अंदर क्या होनी चाहिए? नवीन, न्यू होनी चाहिए वेराइटी, ठीक है। उनके अलावा डिस्टिंक्टनेस, ठीक है। वेराइटी अंदर क्या होना चाहिए? भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, उनके अलावा यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। तो ये इनके अंदर अपने नोवेल्टी क्या होती है, इनके अंदर नवीनता की बात करें, न्यू वैरायटी तब मानी जाती है। न्यू वैरायटी कब मानी जाती है? जब तक कि उसका कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया गया हो, ठीक है। कॉमर्शियल उपयोग का मतलब है व्यापारिक रूप से उनको क्या है, उनका कहीं प्रोडक्शन तो नहीं ले रहे हैं क्या? कॉमर्शियल का मतलब उनके बहुत ज़्यादा है वो कॉमर्शियल क्षेत्र, जैसे अपने किसान उनका प्रोडक्शन तो नहीं ले रहे हैं, या किसी ने उनको पैदा तो नहीं कर रखा है क्या, ठीक है। न्यू वैरायटी तब मानी जाती है जब तक कि उसका कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कॉमर्शियल का मतलब है उनको किसी प्रकार से खेती नहीं की गई है, ठीक है। तथा ब्रीडर की परमिशन, ठीक है, जो भी ब्रीडर है, ब्रीडर की परमिशन, परमिशन बोलते हैं सहमति, परमिशन के बिना प्रोपोगेटिंग तथा हार्वेस्टिंग मटेरियल बेचा नहीं गया है। मतलब प्रोपोगेशन मतलब हो गया जो भी उन प्रवर्धन से संबंधित या प्रजनन से संबंधित कोई प्रकार का मटेरियल, सीड हो गया, ठीक है, उनसे संबंधित कोई भी प्रकार का मटेरियल बेचा तो नहीं गया है। उनको हार्वेस्टिंग करके कहीं इकट्ठा तो बीज है वो निकाला तो नहीं गया है। प्रोपोगेटिंग तथा हार्वेस्टिंग मटेरियल बेचा तो नहीं गया हो। रजिस्ट्रेशन का प्रार्थना पत्र देने की तारीख, जो भी अपने पंजीकरण कराने की तारीख होती है कि तारीख तक और न ही कहीं इस प्रजाति का एक निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब है इनका एक उस समय तक कहीं न कहीं ये बीज कोई अपने इनका क्या है उत्पादन तो नहीं ले रहा है। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो भारत में एक वर्ष, भारत में अपने जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ष पहले तक वो डाटा क्या है चेक करते हैं, ठीक है भाई, इस वैरायटी, ये वैरायटी से संबंधित इनके कोई भी जर्म प्लाज्म संबंधित, मतलब उनसे संबंधित कोई मिलना नहीं चाहिए, उनसे क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो भारत के अंदर तो क्या लेते हैं, एक वर्ष तक चेक करते हैं पीछे के डाटा, ठीक है। तथा विदेशों में, विदेशों में ट्री एंड वेन्स के लिए 6 वर्ष है। ट्री एंड वेन्स के लिए क्या है, पेड़ तथा लता के लिए कितना है, जो भी बेल वगैरह तो उनके लिए 6 वर्ष है, तथा अन्य के लिए 4 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। अपने इंडिया में कितना है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए क्या है, पीछे के डाटा चेक करते हैं कि इन्होंने कहीं जर्म प्लाजन लेके कहीं वैरायटी को अपने पास तो नहीं करवा रहे है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे है, ठीक है। पहले तक उपयोग के लिए भेजा गया अर्थात उस प्रजाति का अब से पहले व्यापारिक शोषण नहीं किया गया हो। व्यापारिक का मतलब है उनकी खेती नहीं की गई हो, कहीं अपने बीज तैयार करें इनसे पहले किसी ने बीज तैयार करके पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर फैला दिया गया है तो वैरायटी वो चलेगी नहीं, ठीक है। वैरायटी वही चलती है जो न्यू वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। उनके अंदर डिस्टिंक्टनेस, उनमें भिन्नता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, इनके अलावा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उनके अंदर जो भी प्रोपोगेशन से संबंधित है वो अनचेंज्ड होने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए प्रवर्धन से संबंधित या, ठीक है। तो वही वैरायटी क्या है, न्यू मानी जाती है। उनके अंदर दूसरा पॉइंट है डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस को बोलते हैं भिन्नता, भिन्नता या पृथक या अलग, ठीक है। कोई नई प्रजाति डिस्टिंक्टिव
भिन्न तब मानी जाती है जबकि कम से कम एक आवश्यक लक्षण इनिशियल करेक्टरिस्टिक्स के रिलेटिव यह प्रजाति प्रार्थना पत्र देने की तारीख पर किसी भी अन्य साधारण प्रजाति से क्या होनी चाहिए, जो भी साधारण प्रजाति जो भी अपने वैरायटी चल रही है उनसे क्या है इनका एक लक्षण क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक है, इनके एक लक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। या तो इनकी यील्ड अच्छी होनी चाहिए, या इनकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, या इनका तना मजबूत होना चाहिए। इस तरह से क्या है एक करेक्टर इनका क्या है सबसे अलग होना चाहिए, तभी तो वैरायटी भिन्न मानी जाती है या न्यू मानी जाती है। ठीक है, डिस्टिंक्टनेस में बता दिया भाई, वो जो भी वैरायटी कॉमर्शियलाइज जिनकी खेती की जा रही है उन वैरायटियों से क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। उनके करेक्टर में एक करेक्टर क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। नोवेल्टी एक न्यू बता दिया, और इनके बाद डिस्टिंक्टनेस ये बता दिया। तीसरा यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, कोई भी नई प्रजाति होती है नई प्रजाति तब मानी जाती है, कोई नई प्रजाति यूनिफॉर्म तब कहलाती है यदि उसके आवश्यक लक्षण एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स में एक रूपता पाई जाए तथा उसके लक्षण प्रजनन प्रक्रिया के उपरांत एक समान रहे या बहुत अधिक एक समान रहे। ठीक है, एक रूपता का मतलब है सभी पौधे एक समान रूप से होने चाहिए, इनकी यील्ड एक समान होनी चाहिए, इनकी हाइट एक समान होनी चाहिए, इनका तना मजबूत है तो सबका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक समान होने चाहिए, उनके लक्षण करेक्टर क्या है उनके एक समान होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है किन्हीं की हाइट कम है किन्हीं की ज़्यादा है, किन्हीं के अंदर यील्ड आ रही है किन्हीं के अंदर नहीं आ रही, तो ये क्या है एक समान नहीं माना जाता। एक समान तभी माना जाता है उनकी हाइट भी एक समान होनी चाहिए, उनकी यील्ड भी एक समान होनी चाहिए, अगर उन पे फ्रूट आया तो सब में आना चाहिए। ठीक है, तना मजबूत है सब में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता होनी चाहिए। चौथा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्थिरता, कोई भी नई प्रजाति स्थिर तब कहलाती है यदि अनेक बार प्रजनन प्रोपोगेशन के पश्चात भी इसके आवश्यक लक्षणों में परिवर्तन नहीं आता है या प्रोपोगेशन की अनेक घटना चक्र में प्रत्येक साइकिल के अंत में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, प्रोपोगेशन इनमें क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, इनमें क्या है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इनमें। यदि अनेक बार प्रजनन जैसे जैसे प्रजनन करती है ठीक है के पश्चात इनके आवश्यक लक्षणों में परिवर्तन नहीं आता है या प्रोपेगेशन की अनेक घटना अनेक जो साइकिल चक्कर है में प्रत्येक साइकिल के अंत में परिवर्तन नहीं आता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्थिरता होनी चाहिए। तो डस के अंदर डस की डेफिनेशन पिछली बार भी आई थी, डस क्या है। ठीक है, डी यू एस डस, डस में क्या क्या होता है, डिस्टिंक्टनेस। ठीक है, डिस्टिंक्टनेस इनको बोलते हैं भिन्नता। ठीक है, भिन्नता, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, उनके अलावा स्टेबिलिटी को बोलते हैं स्थिरता। आपको डस की डेफिनेशन में ये लिखना है कोई भी वैरायटी न्यू वैरायटी तैयार करते हैं तो सबसे पहले तीन चीजों को उनमें क्या है तीन गुण विद्यमान होने चाहिए, उनमें क्या है तीन विशेषता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो भी न्यू वैरायटी है वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्टनेस। जो भी वैरायटी चल रही है उनसे क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। उनके अलावा उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी, सभी जो वैरायटी न्यू वैरायटी तैयार की है उनके सभी प्लांट एक समान होने चाहिए। इनके अलावा सभी प्लांट में जो भी उनका प्रवर्धन करते हैं या प्रोपोगेशन है प्रजनन संबंधित क्या है उनमें कोई भी प्रक्रिया है वो एक समान रहनी चाहिए। उनमें क्या है अनचेंज होना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रजनन के समय। ठीक है, तो डिस्टिंक्टनेस है जो आर्टिकल 7 के अंदर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 7 के अंदर यही बात दी गई है, डिस्टिंक्टनेस वैरायटी सेट आउट है आर्टिकल 6, आर्टिकल फर्स्ट 6 ऑफ द 1991 एक्ट ऑफ द यूपीओवी कन्वेंशन, यूपीओवी सम्मेलन के अकॉर्डिंग, बट दिस डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ द डिस्टिंक्टनेस यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी
क्राइटेरिया रिक्वायर क्या आवश्यक है, एक तो डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए भिन्नता, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ ए ब्रीडर राइट अंडर द यूपीए कन्वेंशन। जो भी ब्रीडर को स्वीकृति तब मिलती है भाई उनके अंदर क्या ब्रीडर की रिक्वायर्ड के अंदर इनके क्या है ग्रांटेड मतलब उनके स्वीकृत तब मिलती है, उनके अंदर डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये क्या है आवश्यक गुण होने चाहिए, इनकी आवश्यकता जरूर है तभी उनको क्या है ब्रीडर राइट यूपीए सम्मेलन के अंतर्गत क्या है उनको अधिकार मिलता है। ठीक है, ये चीज डस के अंदर आपको लिखनी है। यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आर्टिकल 8 के अंदर दिया गया है। ठीक है, वेराइटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ इट्स प्रोप्यूगेशन। प्रोप्यूगेशन से संबंधित क्या है जो भी प्रजनन करते हैं उनमें क्या है सभी प्लांट एक समान आने चाहिए। ठीक है, तो इन यूनिफॉर्मिटी आर्टिकल 8 के अंदर ये बात है। स्टेबिलिटी आर्टिकल 9 के अंदर क्या है उन जैसे भी अपने प्रजनन करते हैं उनका क्या है अनचेंज्ड आना चाहिए, उनमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए वैरायटी इज ए डेम्ड द स्टेबल इट इज ए रिलेवेंट करेक्टरिस्टिक रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिपीटेड प्रोप्यूगेशन। जैसी अपने प्रजनन है वो रिपीट करता है तो उनमें क्या है अनचेंज आना चाहिए प्रोपोगेशन। ठीक है, उनमें कोई प्रकार की अलग नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी स्थिर रहनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 9 के अंदर कहा गया है। तो आर्टिकल 7 के अंदर तो आ गया डिस्टिंक्टनेस और 8 के अंदर आ गया यूनिफॉर्मिटी और 9 के अंदर आ गया स्टेबिलिटी। इन द केस ऑफ ए पर्टिकुलर साइकिल ऑफ प्रोपोगेशन एट द एंड ऑफ ईच सच साइकिल, उनके बाद में डस्ट की डेफिनेशन आपको बताइए वही चीज है, उनमें क्या होना चाहिए डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये क्या है ये मापदंड क्राइटेरिया इनका ये रखा गया। ओपन ए ग्राउंड टूगेदर एंड ए रिफ्रेंड टू एज द टेक्निकल क्राइटेरिया है। ये क्या है टेक्निकल क्राइटेरिया कौन कौन से है, डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एज ए मोस्ट एसेंशली अंडरस्टूड बाई ए कंसिडर द क्राइटेरिया टूगेदर विच इज द एग्जामिनेट। ठीक है, तो ये डस्ट की डेफिनेशन में आपको तीन ही याद रखने हैं, उनमें क्या डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इनके अलावा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनमें प्रोपोगेशन है जैसे ही अपने उनमें रीचेंज करते हैं उनमें क्या है रीचेंज नहीं होना चाहिए, प्रजनन के समय उनके अंदर प्रजनन प्रोसेस के समय उनके अंदर रीचेंज नहीं होना चाहिए जैसे सीड वगैरह है। तो आज अपने क्या है क्या पढ़ा था, सबसे पहले प्लांट ब्रीडर राइट पढ़ लिया आज। ठीक है, प्लांट ब्रीडर राइट, उनके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी अंडर यूपीवी एंड पीपीवी एंड एफआर एक्ट ऑफ इंडिया ये पढ़ लिया। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से संबंधित क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वैरायटी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। तो इन सभी को क्या है आप याद कर लेना। इनसे पहले यूपीओ को बताया था, यूपीओ क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इनकी सबसे पहले एडॉप्ट किसने किया था, पेरिस के अंदर किया था 1961 के अंदर। इनको रिवाइज्ड किया था। रिवाइज करने के बाद इनका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यूपीओ का कहाँ था, वो था स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। ठीक है, तो इनमें इनसे पहले जो भी और करवाया था, WTO की स्थापना कब हुई थी 1 जनवरी 1995, इनसे पहले गेट का बताया था, जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो इनकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी
48, उनके बाद में विपो की बताया था। विपो दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ट्रिप्स क्या था? एक प्रकार का एग्रीमेंट था। उनके अलावा प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी दो प्रकार की थी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिनको अपने आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, नकदी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इनटेंजिबल के अंदर क्या आती है? जैसे अपने दिमाग इन्वेंट, जैसे कोई नया आविष्कार किया है तो, या रिसर्च पेपर है, तो ये क्या है? इनटेंजिबल प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो आज का टॉपिक अपने क्या पढ़ लिया? एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट वेराइटी फॉर प्रोटेक्शन अंडर PPB एंड अफार एक्ट 2001। इनके अलावा ब्रीडर के राइट क्या है वो पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। धन्यवाद।